हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो डी फार्मा सेकंड ईयर के फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स है, इसका चैप्टर नंबर 2 देखने वाले हैं, फार्मेसी एक्ट एंड फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन। इसका लेक्चर नंबर 1 है, इस पे हम और भी लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं और ये सारे टॉपिक्स आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। फार्मेसी एक्ट देखेंगे, रूल्स फार्मेसी देखेंगे, एक्ट देखेंगे 1948, ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मेसी देखेंगे, डेफिनेशंस देखेंगे कुछ जो कि इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अनुसार, पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पीसीआई देखेंगे और फंक्शन देखेंगे। पीसीआई का क्या फंक्शन यानी क्या काम है, आज की क्लास में ये सारी चीजें हम डिटेल में देखने वाले हैं। अगर आप इनकी पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fbspharmacy.in से, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं जिससे क्या आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं फार्मेसी एक्ट रूल, फार्मेसी एक्ट 1948 के बारे में। फार्मेसी एक्ट 1948 एंड रूल इज सेट ऑफ रूल विच फार्मेसी प्रोफेशन प्रैक्टिस कोर्स ड्यूरेशन क्वालिफिकेशन पेलेंटीज एंड थिंग्स आर रिलेटेड टू फार्मेसी मेंशन्ड। यानी फार्मेसी एक्ट में कौन कौन सी चीजें आती हैं कि प्रैक्टिस आता है, कोर्स आता है जो फार्मेसी रिलेटेड है, ड्यूरेशन क्वालिफिकेशन पेलेंटीज जो होनी चाहिए, ये सारी चीजें आती हैं फार्मेसी एक्ट में। ठीक है, बिफोर इंडिपेंडेंट डे वॉज नो रूल फॉर फार्मेसी एक्ट, यानी बिफोर इंडिपेंडेंट कोई भी रूल नहीं था फार्मेसी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, और 1948 के बाद जो रूल आया फार्मेसी एक्ट 1948, उसमें फार्मेसी प्रैक्टिस के लिए पूरा रूल बनाया गया एंड एजुकेशन के लिए भी। द ड्रग इंक्वायरी कम्युनिटी, जो ड्रग इंक्वायरी कम्युनिटी थी, रिकमेंडेड द गवर्नमेंट दैट फार्मेसी प्रैक्टिशनर शुड बी प्रॉपर नॉलेज, यानी जो फार्मेसी प्रैक्टिशनर होते हैं उनके पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। इन सेम वे हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कम्युनिटी ऑल्सो रिकमेंडेड फॉर दैट, यानी हेल्थ जो सर्वे है उसके अनुसार और जो डेवलपमेंट कम्युनिटीज हैं उन्होंने भी रिकमेंडेड किया था कि प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए फार्मेसी प्रैक्टिशनर को। एंड गवर्नमेंट मेड फार्मेसी एक्ट, उसके बाद गवर्नमेंट ने फार्मेसी एक्ट बनाया, इट कम्स इनटू फोर्स इन 1948, यानी ये फोर्स से आई फोर्सफुली ये आया 1948 में। ठीक है, ठीक है, फार्मेसी एक्ट के बारे में समझ गए। यानी कोई भी रेगुलेशन नहीं था फार्मेसी प्रोफेशन के रिलेटेड या उसकी नॉलेज के रिलेटेड, तो उसके बाद क्या गया, फार्मेसी एक्ट आया 1948 में, सारे कम्युनिटीज ने रिकमेंडेड किया, और ये एक्ट किस लिए आया, फार्मेसी प्रोफेशन को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, किसको, फार्मेसी प्रोफेशन को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या थे फार्मेसी एक्ट 1948 के। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, द फार्मेसी एक्ट 1945 इज पासड विद द मेन ऑब्जेक्ट टू रेगुलेट प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी एज फॉलो। यानी 1948 में जो पास किया, जब मेन फार्मेसी एक्ट जब 1948 में पास किया, तो उनका मेन ऑब्जेक्ट यही था कि रेगुलेट फार्मेसी प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी। देखिए कुछ, टू मेक बेटर प्रोविजन फॉर रेगुलेटिंग प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी, यानी बेटर प्रोविजन, बेटर अच्छी तरीके से मैनेज कर सकें या रेगुलेट कर सकें प्रोफेशन को और प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी को। टू राइज द स्टेटस ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, यानी प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी का जो स्टेटस है इसको बढ़ा सकें इंडिया में, यानी इसको इंक्रीज कर सकें इंडिया में। टू कॉन्स्टिट्यूट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट बनाया गया फॉर सेटिंग न्यू स्टैंड इन फार्मेसी एजुकेशन, यानी अच्छे स्टैंड बना सके फार्मेसी एजुकेशन में, इसलिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट किया गया। टू रेगुलेट फार्मेसी इंस्टीट्यूट स्पेशली डिप्लोमा इन फार्मेसी, यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी इंस्टीट्यूट को रेगुलेट करने के लिए थ्रू एजुकेशन रेगुलेशन विद द रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट और डिप्लोमा इन फार्मेसी और एजुकेशन रेगुलेशन चलाने के लिए ये फार्मेसी इंस्टीट्यूट में जो है, मतलब इसका मेन ऑब्जेक्ट ये था कि फार्मेसी इंस्टीट्यूट में सारे एक अच्छे तरीके से रेगुलेट किए जाए, जो डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स है उसके बारे में, एजुकेशन रेगुलेशन के बारे में और रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट के बारे में, सारी चीजों के बारे में एक रेगुलेट किया जाए, मतलब अच्छी तरीके से, ये मेन ऑब्जेक्ट थे जब ये एक्ट लाया गया। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं डेफिनेशन, देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो कि इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला होता है सेंट्रल काउंसिल। ठीक है,
इट मीन्स पीसीआई इट क्रिएटेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948, यानी इसका मतलब क्या है कि ये पीसीआई है, पीसीआई है ये, सेंट्रल काउंसिलिंग कौन है, पीसीआई, ठीक है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ये अंडर सेक्शन 3 के अंडर में क्रिएट की गई है ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1945, ठीक है, यानी पीसीआई जो है ये क्रिएट की गई है अंडर सेक्शन 3 में, किसके लिए, फार्मेसी एक्ट ऑफ 1948 के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेट काउंसिलिंग, इट मीन स्टेट फार्मेसी काउंसिल, इसका मतलब है स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग, ठीक है, क्रिएटेड अंडर सेक्शन 19, ये किस सेक्शन के अंडर में क्रिएट की गई है, अंडर सेक्शन 19, एंड ऑल्सो इंक्लूड ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल, यानी और एक और है ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग जो कि क्रिएट की गई थी अंडर सेक्शन 20 में, ठीक है। थर्ड हम बात कर लेते हैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, ए पर्सन हुज नेम इज एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट ऑफ स्टेट इन विच ही शी इज लिविंग प्रेजेंटली और डूइंग हिज फार्मेसी प्रैक्टिस, ठीक है, यानी रजिस्टर फार्मासिस्ट कौन होता है कि कोई भी जो पर्सन का नाम एंटर किया गया है रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट में, ठीक है, ठीक है, स्टेट में, या चाहे ही इसी कोई भी हो और वो प्रेजेंटली रह रही हो और अपनी प्रैक्टिस फार्मेसी प्रैक्टिस कर रही हो, ठीक है, उसे हम बोलेंगे रजिस्टर फार्मासिस्ट। अब बात करते हैं फर्स्ट रजिस्टर, इट मीन्स रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट प्रिपेड अंडर चैप्टर 5, यानी जो रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट है ये किसके अंडर में आती है, अंडर चैप्टर 5 ऑफ द फार्मेसी एक्ट बाई द स्टेट गवर्नमेंट बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग, यानी बिफोर मतलब स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग से पहले ये किसके अंडर में आती थी, चैप्टर 5 के अंडर में, फार्मेसी एक्ट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। वही हम बात कर लेते हैं सेंट्रल रजिस्टर, इट मीन्स रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मेसी मेनली बाई सेंट्रल काउंसिल, यानी इसका मतलब ये है कि जो रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट है इन मेन रजिस्ट्रेशन कहाँ से की गई, सेंट्रल काउंसिल से, उसे हम बोलते हैं सेंट्रल रजिस्टर। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्प्लेस्ड पर्सन, ठीक है, इट मीन्स पर्सन हु हैव लिविंग इन द एरिया ऑफ इंडिया विच इज नाउ इन पाकिस्तान, ठीक है, यानी कोई भी ऐसा पर्सन के वो पहले इंडिया में रहता हो लेकिन अब वो पाकिस्तान में रहता है, ही हैज लेफ्ट द एरिया बिकॉज ऑफ एनी रीजन, यानी किसी भी रीजन की वजह से वो इस एरिया को छोड़ के चले गए, सिविल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, फेयर की वजह से, डर की वजह से, आफ्टर मार्च 1, 1947 एंड नाउ लिविंग इन इंडिया, यानी उसके बाद अब वो कहाँ पर रह रहे हैं, इंडिया में, मार्च 1, 1947 के बाद, ठीक है। और अब हम बात करते हैं रिप्रेक ट्रेट, ठीक है, इसका मतलब है ए पर्सन हु लिविंग इन दैट ऑफ एरिया विच इज नाउ इन बर्मा, श्रीलंका या युगांडा, ठीक है, ही हैज लेफ्ट द एरिया बिकॉज ऑफ एनी रीजन आफ्टर अप्रैल 14, 1957 एंड नाउ लिविंग इन इंडिया, ठीक है। और UGC यूनिवर्स ग्रांटेड कमीशन, इट इज मेड अंडर द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956, यानी ये किसके मतलब बनाई गई है, 19 यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956, इट गिव्स अप्रूवल टू द यूनिवर्सिटी एंड डिटरमाइन एंड मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग, यानी ये क्या करती है, ये अप्रूवल देती है यूनिवर्सिटी को, यानी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होती है ये क्या करती है, यूनिवर्सिटी को अप्रूवल देती है और डिटरमाइन करती है और मेंटेन करती है स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग अच्छे से हो रही है कि नहीं हो रही है, एग्जामिनेशन एंड रिसर्च इन यूनिवर्सिटी में, रिसर्च अच्छी तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है, ये सारा इनका जो है मेन काम रहता है देखने का, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं पीसीआई के बारे में, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में, पीसीआई वॉज कॉन्स्टिट्यूट या क्रिएटेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948, ठीक है, यानी जो पीसीआई ये कब मतलब किसके अंडर में क्रिएट की गई है, अंडर सेक्शन 3 ऑफ फार्मेसी एक्ट 1945, फर्स्ट टाइम इट वॉज क्रिएटेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इन 1949, यानी फर्स्ट टाइम क्रिएट की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इन 1949 टू रेगुलेट फार्मेसी प्रैक्टिस, क्यों, क्योंकि फार्मेसी प्रैक्टिस को रेगुलेट करने के लिए, एंड प्रोफेशंस बोर्ड, इट इज रिकॉन्स्टिट्यूट ओवर एवरी 5 ईयर्स, यानी हर 5 साल में ये रिकॉन्स्टिट्यूट की जाती है, ठीक है, ये क्वेश्चन फिंगर ब्लैंक्स में या एमसीक्यू में भी आ सकता है कि कितने साल बाद पीसीआई जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूट की जाती है, तो 5 साल बाद वो जो है रिकॉन्स्टिट्यूट की जाती है, इस कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ मेंबर, यानी इसमें इन तरीकों के मेंबर होते हैं, देखिए नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, इलेक्टेड मेंबर होते हैं, एक एक्स ऑफिसो मेंबर होते हैं, ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ सकता है कि मतलब टाइप्स ऑफ पीसीआई के मेंबर बताइए उसमें किन किन तरीके के रहते हैं, ठीक है, नॉमिनेटेड होते हैं, इलेक्टेड होते हैं, एक्स ऑफिसो होते हैं, इनके अंदर भी अलग अलग तरीके के होते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में।
ठीक है, तो देखिए पहले तो होता है पीसीआई, इसमें होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, इलेक्टेड मेंबर होते हैं और एक्स ऑफिसो मेंबर होते हैं। ठीक है, इसमें भी यूसीजी होते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमिश्नर के, कमीशन के जो बताए थे 6 मेंबर्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 6 मेंबर्स होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 37 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूसीजी को रिप्रेजेंट करते हैं 1 मेंबर होता है, और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल यानी AICTE से 1 मेंबर होते हैं। ठीक है, ये हो गए। ठीक है, अब वही हम बात करें इलेक्टेड मेंबर में, स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग से 24 मेंबर होते हैं और जो है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के 1 मेंबर होते हैं। ठीक है, अब वही हम बात करें एक्स ऑफिसो मेंबर के, तो इसमें 3 मेंबर होते हैं, एक होते हैं ड्रग सेंट्रल ऑफ हेल्थ सर्विस से रिले, और एक होते हैं ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया, और ये होते हैं डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी के। ठीक है, ये 3 मेंबर होते हैं। ठीक है, ये आपको जरूर याद रखना है, ये आप चार्ट एक बार जरूर देख के जाएं, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन कंफर्म आता है, 3 मार्क्स में आएगा नहीं तो 5 मार्क्स में आएगा, और आपको ये चार्ट बनाने के लिए कहेगा या बता पूछेगा कि पीसीआई के कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो कितने मेंबर हैं ये बताइए, तो आपको ये बताने पड़ेंगे। ठीक है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पीसीआई एंड मेथड यूज्ड, तो देखिए पहले होता है नॉमिनेटेड मेंबर में, हम डिस्कस कर चुके हैं, तो नॉमिनेटेड में जो 6 मेंबर्स होते हैं और नॉमिनेटेड बाय यूसीजी फ्रॉम एमंग टीचिंग और वर्किंग इन इंडियन यूनिवर्सिटी और कॉलेज एफिलिएटेड टू इंडियन यूनिवर्सिटी, आउट ऑफ 6 टीचर एटलीस्ट वन शुड बी स्पेशलिस्ट ऑफ फार्माकोलॉजी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड फार्माकोनॉसी। यानी हमने सबसे पहले हमने बात की थी नॉमिनेटेड मेंबर के बारे में, उसमें सिक्स सबसे पहले यूसीजी 6 मेंबर्स होते हैं, तो वो कैसे होते हैं, टीचिंग प्रोफेशन से रिलेटेड होते हैं वो, जो कि कॉलेजों में पढ़ाते हैं इंडियन यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में, वहाँ से वो 6 मेंबर्स को सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बाई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 6 मेंबर्स जो है वो सेलेक्ट किए जाते हैं, और नॉमिनेटेड सेंटर आउट ऑफ 6 एटलीस्ट 4 शुड हैव मिनिमम क्वालिफिकेशन इन डिप्लोमा इन फार्मेसी, यानी उनमें से 6 से 4 लोगों के पास मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए डिप्लोमा इन फार्मेसी। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की, बात की थी 37 मेंबर्स होते हैं और वन नॉमिनी ऑफ ई स्टेट दे शुड रजिस्टर फार्मासिस्ट, ये सारे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए, और एक होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूसीजी और एक होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ AICTE यानी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, ये तो हो गए नॉमिनेटेड मेंबर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्टेड मेंबर के बारे में, तो स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग के 24 मेंबर्स होते हैं जो इलेक्टेड बाई स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग के द्वारा जो सेलेक्ट किए जाते हैं, ई स्टेट फार्मेसी काउंसिल सेलेक्ट वन रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट फ्रॉम देमसेल्फ। ठीक है, और सेकंड MIC के 1 मेंबर बताया था, यानी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया सेलेक्ट 1 मेंबर फॉर देमसेल्फ। ठीक है, अब थर्ड हम बात करते हैं एक्स ऑफिसो मेंबर में से, हमने 3 मेंबर बताए थे, एक होते हैं द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस के, और सेकंड होते हैं द डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, और थर्ड होते हैं द डायरेक्टर ऑफ ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये 3 मेंबर होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ पीसीआई। ठीक है, यानी जो पीसीआई का मेन काम क्या है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का, देखिए टू रेगुलेट फार्मेसी इंस्टीट्यूट स्पेशलाइज डिप्लोमा इन फार्मेसी थ्रू एजुकेशन रेगुलेशन, यानी मेन काम ये है कि फार्मेसी जो इंस्टीट्यूट है इनको रेगुलेट की जा सके, और जो डिप्लोमा इन फार्मेसी है थ्रू एजुकेशन इसको भी रेगुलेट की जा सके एजुकेशन के अनुसार। ठीक है, टू फ्रेम प्रायोरिटली एजुकेशन रेगुलेशन, यानी एजुकेशन रेगुलेशन को जो है फ्रेम बना सके, इनका मतलब एक ऐसा पैटर्न सा बना सके कि कितने कोर्स हो, मतलब इसमें कितने सब्जेक्ट होने चाहिए, कितने कोर्स होने चाहिए, ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, ये एकदम एकदम फ्रेमवर्क बना सके, ये भी काम होता है पीसीआई का। विथ अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सेटिंग न्यू स्टैंड फॉर फार्मेसी एजुकेशन, यानी नए नए स्टैंड बनाना फार्मेसी एजुकेशन के लिए, यानी नए रूल्स बनाना फार्मेसी एजुकेशन। टू अप्रूव और डिसअप्रूव कोर्स ऑफ स्टडी एग्जामिन इन फार्मेसी, यानी किसी भी कोर्स का अप्रूव करना डिसअप्रूव करना स्टडी करना एग्जामिनेशन इन फार्मेसी में। टू रिकॉग्नाइज फॉरन एजुकेशन इन फार्मेसी फॉर पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी रिकॉग्नाइज करना कि क्या क्या क्वालिफिकेशन जरूरी है फार्मेसी के लिए और रजिस्ट्रेशन के लिए। टू मेंटेन सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मेसी, यानी जो सेंट्रल रजिस्टर होता है इसको मेंटेन करना। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने फार्मेसी एक्ट के बारे में बात की, ऑब्जेक्टिव देखे, डेफिनेशन देखिए, कुछ पीसीआई देखे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ देखे, फिर फंक्शन ऑफ पीसीआई देखे। ठीक है, अगर आप इनकी पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fbspharmacy.in, डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो,
और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पर हम डेली अपडेट डालते रहते हैं जिससे कि आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। लाइक करें, शेयर करें फार्मा एक्सपीरियंस में, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।